एन माइनस वन के डी में जीरो या वन में से होना चाहिए? हाँ। क्या एन माइनस टू के एफ में वन से फोर्टीन होना चाहिए? हाँ। क्या ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है बेटा? यस, मतलब ये एफ ब्लॉक का मेंबर होगा। चले है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मॉडर्न और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कशन जो आज के लेक्चर में करने वाले हैं वहां पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में वन से लेकर जो 118 एलिमेंट से बैठे उन सबके एटॉमिक नंबर, सिंबल्स और उन सबका कॉन्फिगरेशन पढ़ लिया। अब एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके सामने। नहीं सॉरी वॉरी से कोई मतलब नहीं, सुनते ही नहीं, सॉरी हो रही, ठीक है, जब पढ़ाने चालू कर दे चुप हो जाए। क्यों, अभी तो मैं बहुत जोर से बोल रहा था, अगली बार से मैं बस बोलूंगा, ठीक है बस। If any other atomic number is given, ध्यान सुनना है ना, सारे रूल्स एक बार फटाफट बता दे रहा हूं। दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, ठीक है। आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स का किसी न किसी का कोई एटॉमिक नंबर है और किसी न किसी का कुछ कॉन्फिगरेशन है। सबका कॉन्फिगरेशन पढ़ चुके, सबके एटॉमिक नंबर पढ़ चुके। आपको एग्जाम में क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर दे देगा या एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन दे देगा। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक एटॉमिक नंबर के बेस पे और एक कॉन्फिगरेशन के बेस पे। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? एटॉमिक नंबर। फिर इसके बाद कॉन्फिगरेशन पे आएंगे। आपको क्या करेगा, वन से लेकर 118 का कोई एटॉमिक नंबर देगा और बोलेगा कि ये एटॉमिक नंबर किस पीरियड को बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है और किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। अब दो तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, या तो आपको पहले से पता हो, जैसे 11 बोल दिया सोडियम तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका कि आपको रूल्स पता हो कि कैसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए हम लोग उन एटॉमिक नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 30 से बड़े हैं, क्योंकि 1 से 30 हमें पता होना चाहिए ऑलमोस्ट, पर उससे बड़े एटॉमिक नंबर्स आ रहे हैं तो वो हम लोग उतने यूज टू नहीं होते, तो हम उसे देख रहे हैं। सबसे पहले आप हमेशा एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जब बात करेंगे तो कौन से ब्लॉक को चेक करोगे बेटा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो 58 से 71 एटॉमिक नंबर ये लगातार है और लगातार आ रहे हैं, तो इनका सबका आंसर एक ही है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। ऐसे ही 90 से 103 लगातार, 90 से 103 का कोई भी एटॉमिक नंबर आएगा, सबके आंसर क्या आने वाले सेम, तो पहले हम लोग एफ ब्लॉक को चेक करेंगे। अब सीक्वेंस दिमाग में फिट करिएगा, स्टेप वन में हमेशा लैंथेनाइट को चेक करना है, स्टेप टू में हमेशा एक्टिनाइट को चेक करना है, स्टेप थ्री में जहां पर स्टेप टू खत्म हुआ है उसी के जस्ट बाद से स्टेप थ्री चालू होगा और कहां तक जाएगा, जितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 118 तक। तो तीन स्टेप ये दिमाग में होनी चाहिए, पहले लैंथेनाइट, फिर एक्टिनाइट, फिर जहां से एक्टिनाइट खत्म हो 103 पर, उसी के जस्ट बाद से 104 से 118 तक आपका थर्ड स्टेप जाएगा। अगर मैं 58 से 71 की बात कर रहा हूं बेटा, जो कि लैंथेनाइट है, तो 58 से 71 वाले जो लैंथेनाइट होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? 4F सीरीज। 4F सीरीज बिलोंग्स टू सिक्स्थ पीरियड। याद करिए एफ के साथ ये जो 4 लिखा होता है ये एन एन माइनस वन एन माइनस टू में से क्या होता है बेटा? एन माइनस टू। अगर एन माइनस टू का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 6 होगा और n हमेशा पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर पीरियड नंबर 6 हो गया। पूरा f ब्लॉक, चाहे कोई भी f ब्लॉक हो, 4f हो, 5f हो, सबका ग्रुप फिक्स्ड है, थर्ड ग्रुप का ही मेंबर माना जाता है इनको, भले पोजीशन अलग किया गया है, अलग से रखा गया, लेकिन इनको मेंबर माना जाता है थर्ड ग्रुप का। और 4f सीरीज हो चाहे 5f सीरीज हो, कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा बेटा? f का। 90 से 103 आ जाए, 5f सीरीज है, एक्टिनाइड है, और एक्टिनाइड है तो पीरियड नंबर हो जाएगा 5 है, तो यहां 7 आ जाएगा n माइनस 2 के हिसाब से, ग्रुप नंबर थर्ड होगा, ब्लॉक एफ होगा। सपोज आपको एक एटॉमिक नंबर देता 66 और बोलता है इसका पीरियड ग्रुप और ब्लॉक बता दो, तो क्या 66 आप पहले स्टेप से चालू करेंगे? क्या 66 फर्स्ट स्टेप में आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर से इसके। अगर मान लो जो आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता, सेकंड केस दिया जाता, वो 96 दिया जाता, तो 96 इसमें नहीं आ रहा, तो आप स्टेप टू तक जाएंगे, क्या स्टेप टू में आ जा रहा है? यस, तो आंसर ये हो गए। मान लीजिए एटॉमिक नंबर आपको 111 दे दिया, तो ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, पर क्या इसके अंदर आ रहा है बेटा? हाँ, तो आपके आंसर ये हो जाएंगे। अब देखो सेकंड और फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 104 से 118 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये रूल हम लोग कई बार देख चुके हैं कि इसके लास्ट टू डिजिट आपको क्या बता देंगे? ग्रुप नंबर, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या लिखा है बेटा? 7। एक बात समझिएगा, इसका पीरियड नंबर 7 कैसे पता चल गया? ठीक है, 90 से 103 कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है बेटा? 7। क्या ये एटॉमिक नंबर 104 इस 103 से बड़ा है या छोटा है? बेटा बड़ा है, ये बड़े एटॉमिक नंबर है, तो कम से कम ये 7 से कम का तो हो नहीं सकता, और आठवां पीरियड अभी तक पीरियोडिक टेबल में आया नहीं है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली ये भी 7 पीरियड को ही बिलोंग कर रहे होंगे। और एक बार आपको ग्रुप पता चल गया तो ग्रुप की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ब्लॉक। क्योंकि अगर ग्रुप नंबर 1 या 2 आता है
तो ब्लॉक एस होगा, ग्रुप नंबर 3 से 12 आता है तो ब्लॉक डी होगा, और ग्रुप नंबर 13 से 18 आता है तो ब्लॉक पी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बाय चांस वो एटॉमिक नंबर में अभी आपको बोल रहा था 48 दिया, तो 48 ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इनसे कहीं छोटा है। तो आप देखिए ऐसे केसेस में हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, जेड प्लस 18। मैं आपको बोल रहा था ये 18 जो हमने लिया ये क्या है, मैजिक नंबर। चार मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 18, 32। 2 और 8 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग 30 से बड़े एटॉमिक नंबर्स के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं। तो 18 हमने लिया, Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ध्यान सुना, ये जो एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस बोला है बेटा मैंने, ये एटॉमिक नंबर इज Z के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। मतलब मान लो मैंने आपको एटॉमिक नंबर कितना दिया बेटा, 48, तो 48 के बाद आने, 18 को भी भूल जाइए, 48 के बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो 48 प्लस 18 माइनस 54, जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप नंबर को। और एक बार आपको ग्रुप पता चल गया तो ब्लॉक आप निकाल लेंगे। दूसरी बात, इसमें आपने ग्रुप और ब्लॉक की कंडीशन समझ ली, अब आपको पीरियड नंबर निकालना है। पीरियड नंबर हमेशा इनर्ट गैस की मदद से निकाला जाएगा। किसकी मदद से निकाला जाएगा, इनर्ट गैस। ये जो मैं अभी यहां बता रहा हूं वो इनमें भी एप्लीकेबल होगा, देखते हैं पहले यहां समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर कौन सा बोला बेटा, 48। तो आपने बोला कि 48 के बाद वाली इनर्ट गैस कौन है बेटा, 54, जो कि कौन होती है बेटा, ज़ेनॉन। तो हमें क्या देखना है, जिस एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर हमें गिवन है उसके जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस देखनी है। इसके जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस 54 आ रही है, ये 54 इनर्ट गैस कौन से पीरियड में आती है। सबसे पहले आती है हीलियम, फिर आती है नियॉन, फिर आती है आर्गन, फिर आती है क्रिप्टोन। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड। क्या हमारी इनर्ट गैस जो एटॉमिक नंबर दिया है उसके जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस जो ज़ेनॉन है वो फिफ्थ पीरियड में आ रही है या नहीं आ रही बेटा, आ रही है। मतलब ये एटॉमिक नंबर भी फिफ्थ पीरियड को ही बिलोंग करता होगा। आइए इसको यहां पर भी लगा के देख लीजिए। सपोज आपको एटॉमिक नंबर 58 देता, ये रूल भूल जाइए, पीरियड हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली, 58 दिया, मुझे बताइए 58 के जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 86। सोच लीजिए आराम से, 56 के बाद अगर कोई इनर्ट गैस आती है तो 86 आती है, क्योंकि 54 तो इससे पहले निकल चुकी है। 58 के बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 86 होता है, और वो कौन होती है, रेडॉन। और रेडॉन कौन से पीरियड में आती है, 6। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये भी 6th पीरियड को ही बिलोंग करता होगा। ऐसे 71 के बाद भी जो इनर्ट गैस आती है वो रेडॉन ही होती है, और रेडॉन कौन से पीरियड का है बेटा, 6th पीरियड का, तो ये भी 6th पीरियड को बिलोंग करेगा। सिमिलरली यहां देख लीजिए, 90 के बाद अगर कोई इनर्ट गैस आती है तो 118 ऑगी होती है, और क्या ऑर्गनेशन 7th पीरियड का मेंबर है बेटा, हाँ। तो आप देख लीजिए इनका पीरियड नंबर 7 आएगा। तो वो जो रूल है पीरियड वाला वो यहां भी लग जाएगा, बट इसको अपन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं n-1 n-2 से। तो इस तरह से हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे बेटा, पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं आप। अभी हमने पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक के बारे में बात करी। मैंने आपको बोला था एक एटॉमिक नंबर दिया सपोज 48, तो ध्यान से देखिएगा 48 प्लस 18 किया 66 आएगा, और 66 के बाद आपने माइनस 54 किया तो 12 आंसर मिलेगा। 12 आपको क्या बता देगा बेटा, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 12 कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता बेटा, डी ब्लॉक। पीरियड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं एक और एटॉमिक नंबर आपको दे रहा हूं, वो एटॉमिक नंबर है 55। क्या एटॉमिक नंबर है बेटे, 55। आइए इसको देखते हैं, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, तो आपको फॉर्मूले पे जाना है। आप 55 के बाद वाली इनर्ट गैस कौन होती है बेटा, 86, तो रेडॉन होती है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी कौन से पीरियड को बिलोंग करता होगा, 6 को। आइए 55 प्लस 18 माइनस 86 सॉल्व करोगे, 73 माइनस 86 आएगा, आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आने का मतलब ये कि आपने मैजिक नंबर गलत लिया है। मैजिक नंबर 18 नहीं आना चाहिए था, मैजिक नंबर 32 आना चाहिए था। तो ये बात हो रही है कि इफ आंसर इज नेगेटिव, ऐसा सॉल्व करते हुए अगर आंसर नेगेटिव आ जाए, देन रिप्लेस 18 बाय 32, इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा Z प्लस 32 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, और अगेन जो सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगा वो क्या बता देगा बेटा, आपको ग्रुप नंबर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ये सब लिखने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको खुद ट्राई करने हैं। यहां पर मैं कुछ एटॉमिक नंबर्स लिख दे रहा हूं, और उनके लिए पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक इन रूल्स को यूज करते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आंसर्स में डिस्कस कर दूंगा एक बार।
रूल्स को दिमाग में फिट करते जाइए. पहले लैंथेनाइड मतलब 58 से 71 चेक करना है, फिर 90 से 103 चेक करना है, फिर 103 जहां पर खत्म हुआ उसी से 104 से 118 चेक करना और बाकी फिर फॉर्मूला लगाना है. केस सॉल्व हुआ? अच्छा ठीक है. ऐसे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, मैंने एक आध भी हो रहा हो नहीं हो रहा हो क्या भरोसा. है ना, रूल्स को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें. सबसे पहले लैंथेनाइड 58 से 71, देन एक्टिनाइड 90 टू 103, 104 से 118, और उसके बाद अगर कोई और एटॉमिक नंबर होता है तो जेड प्लस 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो मैजिक नंबर चेंज करके 18 के बदले बड़ा मैजिक नंबर 32 ले लेंगे. नहीं बेटा, है ना, ये जो केसेस अभी आपके सामने लिखे गए हैं इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, चेक करते जाइएगा आपने जो है ना सीक्वेंस लगाया वो सही है या गलत है. सबसे पहला एटॉमिक नंबर आपको क्या दिया बेटा, 66. स्टेप्स आपको बोले सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा, लैंथेनाइड. लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है, 58 से 71. क्या ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है. अगर ये 58 से 71 में आ रहा है इसका मतलब है इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा, 4F सीरीज का मेंबर ये, 4F सीरीज मतलब 6th पीरियड. इसके बाद ग्रुप और ब्लॉक की बात करें, पूरा F ब्लॉक कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा, 3rd या फिर 3B, और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, F ब्लॉक. आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर क्या दिया बेटा, 96. पहला स्टेप है 58 से 71 चेक किया उसमें नहीं आ रहा. सेकंड स्टेप 90 से 103 क्या उसमें आ रहा है, यस. 5F सीरीज मतलब 7th पीरियड, ग्रुप नंबर हो जाएगा 3rd और ब्लॉक हो जाएगा F. आगे बढ़ते हैं 116. ये ना तो फर्स्ट स्टेप में आ रहा है ना सेकंड स्टेप में आ रहा है. थर्ड स्टेप 104 से 118 क्या उसमें आ रहा है, यस. लास्ट टू डिजिट ग्रुप नंबर बता देगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा 16. ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली. अब पीरियड नंबर निकालना है तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 7th. स्टेप नंबर 3 7 बोला था, 6 किसने बोला, कोई तो बोला 6, ठीक है आइए बोला किसी ने, मुझे नहीं पता. ठीक है 48 पे आते हैं. अब देखो ये एटॉमिक नंबर जो 48 दे रखा है ना तो स्टेप 1 में आएगा, ना 2 में आएगा, ना 3 में आएगा. मतलब ये 4 5 6 जो है ये तीनों स्टेप 1 2 3 में नहीं आ रहे. अब आप फॉर्मूला लगाएंगे 48 के लिए. आपने फॉर्मूला अभी मैंने बताया भी था, 48 प्लस 18 माइनस 54. 54 जो है वो 5th पीरियड का मेंबर है, तो ये भी 5th पीरियड का मेंबर है. 55 के बाद वाली इनर्ट गैस 86 6th पीरियड का मेंबर है, और 17 के बाद वाली इनर्ट गैस 3rd पीरियड का मेंबर है. पहले तो अपन ने ये लिखा. अब 48 पे जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे 18 वाला तो आंसर 12 आएगा. 12 आने का मतलब है डी ब्लॉक. जब आप 55 पे ये 18 वाला फॉर्मूला लगाओगे आंसर नेगेटिव आएगा, तो आप फॉर्मूला चेंज करके 32 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर 1 आएगा. 1 आएगा मतलब फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप मतलब एस ब्लॉक. 17 के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि 1 से 30 के लिए ये फॉर्मूले है ही नहीं, तो आपको 17 डायरेक्टली पता होना चाहिए. 17 कौन होता है बेटा, क्लोरीन. क्लोरीन 3rd पीरियड, हेलोजन फैमिली मतलब 17th ग्रुप, और पी ब्लॉक का मेंबर होता है. अगर किसी को 17 को सॉल्व करना है फॉर्मूले से तो फॉर्मूला 18 के बदले 8 आएगा. छोटा मैजिक नंबर आप यूज करोगे आंसर आ जाएगा, बट ठीक है जरूरत नहीं होनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक के लिए. तो ये आंसर से किसी को किसी पर्टिकुलर केस में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटे. चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहां पर तो हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर डिस्कशन किया. अब एटॉमिक नंबर के बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलिए बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं बात करूं यहां पर तो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाएगा. एक बात और समझे, कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट है, ये पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो आप. तो कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना. अभी हो सकता है आप लोगों में से किसी ने प्रिपरेशन करा हो तो मैं जो बताऊंगा तरीका उसके अलावा भी तरीके होते हैं निकालने के, बट मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके को फॉलो करें क्योंकि जो दूसरे तरीके उनमें गलतियां हो सकती है. क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमाने वाला बना दिया, हिडन कॉन्फ़िगरेशन का केस अगर आ गया तो आप कोई दूसरा टाइप का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो गलती होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे. इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि यही तरीका लगाएं. क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा वो क्या करते हैं एटॉमिक नंबर जोड़ के सॉल्व कर देते हैं. एक कॉन्फ़िगरेशन दिया जैसे मैंने दिया आर्गन ये वो 2 6 10, तो क्या करते हैं एटॉमिक नंबर जोड़ देते हैं. एटॉमिक नंबर जोड़ दिया, सर एटॉमिक नंबर वाला तो हमें आता ही है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे. जब ये कम हो तो इस्तेमाल भी कम करा करो, ठीक है. हाँ तो कोई और तरीका नहीं लगाना, अल्टीमेटली जो बता रहा हूं यही सॉल्व करेंगे. और जो आप सोच रहे हैं उससे कैसे सॉल्व होने में गलतियां हो सकती हैं वो बताऊंगा लास्ट में, ठीक है. चलिए आइए
सबसे पहले आपको एक कॉन्फिगरेशन दिया जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ स्टेप इन्वॉल्व करनी है। स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें पीरियड ग्रुप और ब्लॉक निकालना बेटा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग पीरियड नंबर निकालना सीखेंगे। याद करिए क्या पीरियड नंबर या आउटर मोस्ट शेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हाँ, तो जो भी कॉन्फिगरेशन आपको दिया गया होगा उसमें आप एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और एन की वैल्यू मतलब आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अरेंज या रीअरेंज बोल देता हूं। कोई कॉन्फिगरेशन आपको दिया होगा उसे हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज द कॉन्फिगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर। कॉन्फिगरेशन में कुछ शेल नंबर आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है और उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फिर एन माइनस टू प्री पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट एन देखना आना चाहिए। जो हाईएस्ट शेल नंबर या जो एन का वैल्यू होगा वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो पीरियड नंबर विल बी इक्वल टू एन। स्टेप टू पे चलते हैं। पीरियड नंबर निकालने के बाद एक काम कर रहा हूं, मैं रूल्स लिख दे रहा हूं। पहले सारे रूल्स लिख लो, रेजिटी छाप लो, फिर समझाने का काम एक साथ करें। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। चले बेटे, है ना, ये जो रूल्स अभी आपके सामने लिखे हैं ना, इनको अप्लाई करना देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, आपको एग्जाम में कोई एक कॉन्फिगरेशन दी जाएगी 1 से लेकर 118 एलिमेंट्स में से। हर किसी की कॉन्फिगरेशन वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम में जब डायरेक्टली एक कॉन्फिगरेशन आती है तो उसको एकदम से जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 118 कॉन्फिगरेशन में से हर कॉन्फिगरेशन आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते। 1 से 30 तक की कॉन्फिगरेशन होती तो अपने को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि कई बार अपन यूज कर चुके होते हैं। लेकिन ऐसे कोई रैंडमली कॉन्फिगरेशन आ जाए तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला काम, जो भी कॉन्फिगरेशन आपको गिवन है ना, कॉन्फिगरेशन अब दो तरीके से दिया जा सकता है। यहां पर मैंने इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखा है, आर्गन वगैरह, हो सकता है एग्जाम में पूरा 1H2, 2H2, 2P6 ऐसा फुल कॉन्फिगरेशन दे। ठीक है, तो दोनों में से जो भी तरीके से कॉन्फिगरेशन दे रखा है उस कॉन्फिगरेशन में जो भी शेल नंबर आपको दिख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 1, 2 जो भी है, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि अगर शेल नंबर सपोज 1 से लेकर 5 तक है तो 1 में जो भी आता है SPDF सबको एक साथ, 2 में जो भी आता है उनको एक साथ, 3, 4, 5 में सबको जो भी आते हैं उनको एक साथ लिखना है। जैसे इस कॉन्फिगरेशन में हम लोग रीअरेंज करना चालू करते हैं तो रीअरेंज करने पे क्या हो रहा है बताइए। इस कॉन्फिगरेशन में शेल नंबर 3 दिख रहा है, शेल नंबर 4 दिख रहा है और शेल नंबर 5 दिख रहा है। तो सारे 3 वालों को एक साथ, सारे 4 वालों को एक साथ और सारे 5 वालों को एक साथ। देखिए आर्गन लिखा मैंने, 3 में केवल एक ही दिख रहा है 3D10 एक साथ लिख दिया। 4 में कौन कौन दिख रहा है बेटा, पहले 4S2 फिर 4P6 फिर 4D10 एक साथ लिख दिया। और 5 में कौन दिख रहा है बेटा, 5S2 और 5P3 एक साथ लिख दिया। ये मैंने रीअरेंज करा किसके बेसिस पे, शेल नंबर के बेसिस पे, सारे शेल नंबर जिसके जो भी है एक साथ लिख दिया। मुझे बताइए क्या ये सबसे बड़ा शेल नंबर एन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। हाँ, 3 शेल नंबर है, 5, 4 और 3। 5 वाले को एन बोलेंगे, 4 वाले को एन माइनस 1 बोलेंगे और 3 वाले को एन माइनस 2 बोला जाएगा। मुझे बताइए यहां पर एक पॉइंट लिखा है मैंने कि जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो जो हाईएस्ट शेल नंबर एन होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, पीरियड नंबर को। तो जो भी कॉन्फिगरेशन बेटा आपको दी गई है जब आप उसको रीअरेंज करेंगे तो पहले स्टेप में आपको हमेशा पीरियड नंबर मिल जाएगा। तो मुझे बताइए यहां पर इस केस के लिए अगर आपसे पीरियड नंबर पूछा जाए तो क्या पीरियड नंबर 5th पीरियड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये पहली बात अपन ने समझी। हमें 3 चीजें निकालनी है, पीरियड ग्रुप और ब्लॉक। उसमें से पीरियड हमेशा फर्स्ट स्टेप में निकल जाएगा, बाकी जो स्टेप है वो ग्रुप और ब्लॉक के लिए है। किसके लिए बेटा, ग्रुप और ब्लॉक। आइए ग्रुप और ब्लॉक में सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो हम लोग यहां पर देखते हैं। मुझे हिसाब से ये n इक्वल टू पीरियड नंबर इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं इसको सॉल्व। और दूसरी बात ये याद करिएगा, मैंने जब आपको पहले दिन वो शॉर्ट शॉर्टेस्ट लॉन्ग लॉन्गेस्ट की जब बात करी थी तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक सबशेल दे रखा 1s से लेकर कुछ भी, तो जिस सबशेल के बारे में जानकारी चाहिए कि ये सबशेल किस पीरियड में आता है तो क्या करना होता था, 1s से लेकर उस सबशेल तक जाना होता था। इस पूरे ड्यूरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर आता था वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता था। तो वही हम यहां कर रहे हैं, यहां से यहां तक जाने में जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पीरियड नंबर। बस हमने रिप्रेजेंट अलग फॉर्म में कर दिया है, वही आगे बढ़ता हूं। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पे आते हैं। पीरियड हमने पता कर लिया, अब हमें ग्रुप और ब्लॉक पता लगाना है। ग्रुप और ब्लॉक में सबसे पहले हम जिसकी जानकारी निकालेंगे वो पी ब्लॉक होगा बेटा। कौन सा ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक की जानकारी क्यों पहले निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। जब एटॉमिक नंबर सर हमने सॉल्व करा तो पहले हमने एफ ब्लॉक को चेक किया, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो पहले हम किसको चेक कर रहे हैं, पी ब्लॉक को। ऐसा क्यों है उसकी जानकारी यहां पर समझिएगा। याद करिए ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। किसी भी पीरियड की शुरुआत एस से होगी, खात्मा पी पे होगा, बीच में डी और एफ आएंगे। एनर्जी का सीक्वेंस याद करिए सफ डप नाम से होता था,
तो ये हो गया यहां पर n माइनस वन डी हो गया, यहां पर एनपी हो गया। अब मुझे बताइए अगर कॉन्फिगरेशन में, यहां एक पॉइंट लिखा है मैंने, इफ एनपी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एनपी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक। आप इस कॉन्फिगरेशन का रूल देखिए, क्या यहां पर इस एनर्जी के ऑर्डर में एनपी नाम का सबशेल आपको दिख रहा है बेटा? हाँ, एस और पी के साथ इलेक्ट्रॉन हमेशा एन में जाएगा, डी के साथ एन माइनस वन में जाएगा, एफ के साथ एन माइनस टू में जाएगा। अगर मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है और एनपी तक इलेक्ट्रॉन आ गया, इफ एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा? एस में, एफ में, डी में या पी में? पी में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो वो एलिमेंट क्या पी ब्लॉक का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले जिस ब्लॉक को चेक करना है वो कौन सा ब्लॉक होता है बेटा? पी ब्लॉक। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा बेटा? पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो अब ग्रुप नंबर निकालना है। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक का 13 से 18 होता है। क्या 13 से पहले 12 ग्रुप आ चुके होते हैं बेटा? हाँ। तो 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। अगर एनपी में एक इलेक्ट्रॉन है, पी में एक से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में एक है तो 13 हो जाएगा और 6 है तो 18 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए इसको यहां अप्लाई करके देखते हैं। इस कॉन्फिगरेशन को देखिए, हमने सबसे पहले रीअरेंज करके एन की वैल्यू देखकर क्या निकाल लिया बेटा? पीरियड। अब हमें क्या निकालना है? ग्रुप। और क्या निकालना है? ब्लॉक। सबसे पहले चारों ब्लॉक में से, सब डब में से कौन से ब्लॉक को चेक करेंगे? पी ब्लॉक को। किसको चेक करेंगे? पी ब्लॉक। सबसे पहले पी को चेक करेंगे और बाकी फिर पहले एस, फिर एफ, फिर डी। तो पहले पी, फिर स, फ, ड वाला ऑर्डर चलेगा, ठीक है? पहले पी को चेक करेंगे। मुझे देख के बताइए यहां पर क्या इस कॉन्फिगरेशन के एन पी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है। अगर किसी के एन पी में इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का हो जाएगा बेटा? पी ब्लॉक। मतलब ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। एनपी में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 12 प्लस एनपी अगर करूंगा तो इसका ग्रुप नंबर क्या मिल जाएगा बेटा? 15th ग्रुप। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका हुआ। अब दूसरी बात सुनिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर आपने चीजें सॉल्व कर ली, ठीक है? लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपसे और क्या क्वेश्चन फ्रेम करेगा। जो दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख ले रहे हैं। एग्जाम में वैसे पूछता नहीं है, बट कभी आ जाए तो अपना दिमाग एकदम से वहां तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या होगा। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, ये कौन है? ये तो आपने बस पीरियड ग्रुप और ब्लॉक निकाल दिया। पूछेगा एलिमेंट का नाम बता दो, सिंबल बता दो, एटॉमिक नंबर बता दो। अब ये एकदम से आ जाएगा ना तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। सोच लीजिए आराम से, ग्रुप नंबर कौन सा आया? अरे ग्रुप कौन सा आया? 15th ग्रुप कौन होता है? नाइट्रोजन फैमिली। अरे यही होता है ना, अगर यहाँ ग्रुप सेकंड आता तो अल्कलाइन अर्थ मेटल सोचते। ग्रुप 15 दे रखा है, मतलब हम लोग कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। क्या? हाँ, तो सब चीजें लिखी हुई हैं। अब मुझे बताओ, अगर आप ग्रुप 15 की बात कर रहे हो तो क्या ग्रुप 15 में पहले में सन्नाटा, फिर नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मॉस्को में, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या, जो भी याद है याद रखें। अब इसमें कौन सा पीरियड देखना है मुझे? फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड कौन है बेटा? ये तो सन्नाटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो एलिमेंट जिसका ये कॉन्फिगरेशन है वो एलिमेंट कौन है बेटा? एंटीमनी है ना। अब पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर बता दो, तो अब एटॉमिक नंबर के लिए मैजिक नंबर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, याद करिए। मैंने बोला था जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं आता हो, जैसे नाइट्रोजन पूछता तो डायरेक्ट बता देते, फॉस्फोरस डायरेक्ट बता देते, बाकियों का नहीं याद होगा, तो हम क्या करेंगे? मैजिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे। याद करिए, मैजिक नंबर के लिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है, दूसरी बात उस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आना चाहिए, और फिर सीक्वेंस याद होना चाहिए। पी ब्लॉक में 13 से 17 का सीक्वेंस एक जैसा था, 18 का सीक्वेंस याद करिए, 8 8 18 18, 32 32, पहला सन्नाटा, 8 18 18 32 32, ये सीक्वेंस है बेटा इसका। तो अब इसको बस ऐड करते जाइए, 7 प्लस 8 15 15 प्लस 18 33 33 प्लस 18 51, ये इसका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? मान लो आपको क्वेश्चन बोलता कि ये जो एलिमेंट जिसका कॉन्फिगरेशन आपको दे रखा है, ये एलिमेंट एक्स है। क्या है बेटा? एक्स। तो आपको बोलता कि ये जो एलिमेंट एक्स है इसके बाजू में वाई है, इसके बारे में बता दो।
इसके आजू में जेड है, इसके बारे में बता दो। इसके ऊपर ए है, इसके बारे में बता दो। इसके नीचे बी है, उसके बारे में बता दो। बी के बाजू में ये है, उसके बारे में बता दो। इसके काजू में ये है, ये लिखा दो। इसका बादाम ये है, बता दो, है ना। ऐसा कुछ भी, तो ये क्वेश्चन बना सकता है। ये पीरियोडिक टेबल के डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन बन गया। भाई आपको ये पता चल गया है, तो आपको पता चल गया ये ग्रुप 15 है, तो ये ग्रुप 14 होगा, ये ग्रुप 16 होगा, ये ग्रुप 17 होगा। करस्पॉन्डिंगली आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, अगर आपने इसको सुन रखा है तो अप्रोच करना आसान होगा। एग्जाम में अचानक आ जाएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुक जाओ, इसको एक साथ लिख लेना। आइए इधर सेकंड वाले केस की तरफ चल रहे। मैंने अभी आपको बोला कि जब भी हम इन रूल्स की बात करेंगे तो पहले स्टेप में हमें क्या पता चल जाएगा, बेटा पीरियड नंबर, चार ब्लॉक बचेंगे एसपीडीएफ, एसपीडीएफ में से स फ ड प, पहले किसको चेक करेंगे, पी को। पी को चेक करने का तरीका बोलिए क्या होगा, एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पी ब्लॉक होगा, और अगर एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर बचे हुए तीन में से कोई ब्लॉक होगा। भैया एनपी में होता तो पी ब्लॉक, अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो स फ ड। सफर ड में से पहले स फिर फ फिर ड को चेक करेंगे। अब एस ब्लॉक को चेक करने जा रहे हैं। एस ब्लॉक को चेक करने की शर्त हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, याद करिए, नोट दिखाया था, बोला था हिंदी में लिख लेना। एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनएस में वन या टू होना चाहिए। एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनएस में वन या टू होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एन माइनस वन डी, एन माइनस टू एफ और एनपी खाली होना चाहिए। तो भैया ये एनपी खाली तो हमने पहले ही देख लिया, तो इसको हम नहीं लिख रहे। अब एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनएस में वन या टू होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एन माइनस वन डी और एन माइनस टू एफ खाली होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो गई तो वह एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा, और अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो या तो ग्रुप नंबर वन होगा या ग्रुप नंबर टू होगा, वो हमें एनएस के इलेक्ट्रॉन देख के पता चल जाएगा। अगर एनएस में वन है तो ग्रुप नंबर वन, अगर एनएस में टू है तो ग्रुप नंबर टू। तो अभी स्टेप फोर तक अपन आ गए, उसको यहां अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई, बोला गया इसका पीरियड ग्रुप और ब्लॉक निकालना बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, रीअरेंज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब रीअरेंज करा तो कौन कौन सा शेल नंबर दिख रहा है, एक तो थ्री दिख रहा है, एक फोर दिख रहा है और एक फाइव दिख रहा है। अरेंज कर दिया, चलिए इसको क्या बोल दिया एन, इसको क्या बोल दिया एन माइनस वन, इसको क्या बोल दिया एन माइनस टू। सबसे पहला काम पीरियड ग्रुप और ब्लॉक के लिए क्या देखना है बेटा, एन का वैल्यू। बताइए एन का वैल्यू फाइव है या नहीं है बेटा, है, मतलब ये फिफ्थ पीरियड का मेंबर होगा, ये पहली बात पता चल गई। फिर ग्रुप और ब्लॉक में पहले कौन सा ब्लॉक चेक करते हैं, पी, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए क्या देखना है, एनपी। बताइए एनपी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं है। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन होता तो ये पी ब्लॉक होता, लेकिन अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पी ब्लॉक नहीं है। अब पी नहीं है तो एस एफ डी में से चेक करेंगे, पहले किसको चेक करेंगे, एस को। एस को चेक करने का तरीका एनएस में वन या टू होना चाहिए, सही है, लेकिन साथ साथ एन माइनस वन का डी और एन माइनस टू का एफ खाली होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, और अगर एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा तो या तो ग्रुप नंबर वन होगा या ग्रुप नंबर टू होगा। वो कैसे पता चल जाएगा, एनएस के इलेक्ट्रॉन देखकर। एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो, मतलब ये ग्रुप नंबर सेकंड का मेंबर होगा। अब अगर ग्रुप नंबर सेकंड है तो फिर वही बात, पहचानिए। अरे रुबिडियम कहां आ गया, फर्स्ट है वो तो, ग्रुप टू है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा पहले तो सन्नाटा है बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बात समझ में आ गई, फिर बोलेगा इसके आजू बाजू काजू बादाम पिस्ता अखरोट कुछ भी पूछ लेगा ना, तो ऐसे पहचानते रहना, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अब यहां तक पहुंच गए हम लोग स्टेप फोर तक, स्टेप फाइव पे आइए। सबसे पहला काम, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया और बोला इसका पीरियड ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करिए। तो बेटा पीरियड ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, रीअरेंज। चलिए रीअरेंज करते हैं। बताइए शेल नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, थ्री फोर फाइव सिक्स, सबसे छोटा शेल नंबर है बेटा थ्री, उससे बड़ा हो जाएगा 4s2 4p6 4d10 और 4f14। 5 वाले में बताइए 5s2 5p6 5d1 और 6 में s2। ये n हो गया, ये n माइनस वन हो गया, ये n माइनस टू हो गया और ये n माइनस थ्री हो गया। n माइनस थ्री का वैसे इस पूरे रूल में कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है तो लिख दिया। अब बताइए सबसे बड़ा शेल नंबर क्या दिख रहा है बेटा, सिक्स, वो क्या बता देगा, पीरियड नंबर। अब बचा ग्रुप और ब्लॉक,
सबसे पहले कौन सा ब्लॉक चेक करते हैं बेटा आप? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को चेक करने का तरीका क्या है? एनपी इलेक्ट्रॉन। आप उधर देखो, एनपी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। अगर एनपी होता तो पी ब्लॉक होता, एनपी नहीं है तो एसएफडी में से कोई होगा। एसएफडी में से पहले किसको चेक करेंगे? एस को। एस को चेक करने का तरीका, एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ N-1D और N-2F खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब ये एस ब्लॉक नहीं है। अब अगर पी नहीं है तो एसएफडी का ऑर्डर चल रहा है, एस देख लिया, एस भी नहीं है, अब बचा एफओडी। पहले एफ को चेक करेंगे। एफ को चेक करने के लिए कोई भी नया काम नहीं करना है, एफ का जनरल कॉन्फिगरेशन क्या देखना है? याद करिए, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फिगरेशन NS2 N-1D 0 और 1, N-2F 1 to 14, यही होता था। तो मतलब अगर एफ ब्लॉक का मेंबर होना है तो NS में 2 होना चाहिए, N-1 के D में 0 या 1 होना चाहिए, N-2 के F में 1 से 14 कुछ होना चाहिए। आइए चेक करते हैं एफ ब्लॉक को। चेक करने के लिए देखिए, क्या NS में 2 होना चाहिए? हाँ, चेक करते जाइएगा स्टेप 5 भी। क्या N-1 के D में 0 या 1 में से होना चाहिए? हाँ। क्या N-2 के F में 1 से 14 होना चाहिए? हाँ। क्या ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है बेटा? यस, मतलब ये F ब्लॉक का मेंबर होगा और F ब्लॉक का ग्रुप नंबर फिक्स है बेटा, 3rd ग्रुप होता है। ये आंसर निकल गया F ब्लॉक का। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट पहचानना है। F14 4F का 14th एलिमेंट पहचान लो। F7 होता तो F ब्लॉक का 7th एलिमेंट, उसमें D1 देख लेना, से गुड लक में D1 आएगा, उससे सॉल्व होगा वो। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इस केस पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। अब देखो, हमने पी ब्लॉक चेक कर लिया, एस ब्लॉक चेक कर लिया, एफ ब्लॉक चेक कर लिया। अब मान लो जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक की शर्त भी नहीं कर रहा है, एस की भी नहीं कर रहा है, एफ की भी नहीं कर रहा, तो बचा एक ही तो ब्लॉक है, फिर काय को चेक करना? ये तीनों नहीं होगा तो डी ब्लॉक ही होगा। एनी अदर कॉन्फिगरेशन, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एक्सेप्शन भर भर के इसलिए उसको लास्ट में चेक कर रहे हैं। अगर डी ब्लॉक है तो डी का जनरल कॉन्फिगरेशन याद करिए, NS0 to 2 N-1 D 1 to 10 होता था। इससे भी कोई मतलब नहीं, अपने को तो ग्रुप नंबर निकालना है, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D के इलेक्ट्रॉन। ये पहले बता चुका हूं आपको, जब हमने 3D 4D 5D 6D के कॉन्फिगरेशन लिखे थे तो मैंने बोला था 4S2 डी का 1 डी का 2 3D का पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, याद आ रहा है, और उसके इलेक्ट्रॉन जुड़वाए थे। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 3, 4, 5 से लेकर 12 तक आता है। इस तरह से इसको सॉल्व किया था। ये इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर जब आप रीअरेंज करेंगे बेटा तो यहां आ जाएगा आर्गन 3D10 4S2 4P6 4D10 और 5S2। इसको हमने बोल दिया एन, इसको बोल दे बेटा N-1, इसको बोल दे बेटा N-2। आपको निकालना है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। सबसे पहले पीरियड नंबर क्या मिल गया बेटा? 5। ग्रुप और ब्लॉक में सबसे पहले ब्लॉक चेक करते, कौन सा ब्लॉक चेक करते? पी ब्लॉक। एनपी है या नहीं है? नहीं है, पी ब्लॉक नहीं होगा। फिर एस ब्लॉक को चेक करोगे, एस के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, हाँ, लेकिन N-1 का डी खाली होना चाहिए, यह एस ब्लॉक भी नहीं है। अब स, फ, ड, एफ चेक करेंगे। एफ तो चालू ही 6th पीरियड से होता है, सेव तो हो ही नहीं सकता, छोटी सी बात है पर टाइम सेव करेगा ना। अभी देखो, अभी किसी को ये क्लिक ही ना हो, कोई फर्स्ट पीरियड में भी एफ चेक करे डी चेक करे तो उसका क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है, पर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? देखो, एफ ब्लॉक की शर्त क्या बोलती है? एनएस में 2 होना चाहिए, सही है। N-1 के डी में 0 या 1 होना चाहिए, 0 और 1 ही तो है, अरे 0 भी 1 बात कर रहा, 0 या 1 होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये F ब्लॉक का मेंबर नहीं होगा। अब अगर S, P, D कुछ भी, F कुछ भी नहीं है तो D ब्लॉक ही होगा ऑब्वियसली। और अगर D ब्लॉक है तो बेटा ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? NS के इलेक्ट्रॉन और N-1 D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, 2 + 10 कितना हो जाएगा बेटा? 12 ग्रुप है, ये कबाड़ा है, जिंदगी कबाड़ा होगा कैडमियम। ठीक है, हाँ, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे इनको। हर स्लाइड के पीरियड ग्रुप और ब्लॉक लिख लेना, रीअरेंज तो आप खुद भी कर सकते हैं। अरे हाँ, तो है ना, 30-30 सेकंड के लिए स्लाइड चालू हो जाएंगी तो बस पीरियड ग्रुप और, अरे तो पीरियड ग्रुप ब्लॉक लिखने में कितना टाइम लगे बेटा? रीअरेंज तो खुद ही कर लेना बेटा, कोई बात नहीं। 30 सेकंड दिए तो 30 सेकंड दिए जाएंगे, मत परेशान, बहुत है 30 सेकंड ये लिखने के। आसपास वाले एक क्वेश्चन लिखो, एक आंसर लिखो, सीखे ही नहीं अभी तक तो बेटा ये आपकी गलती है।
बेटो की, ये देखो इसके पास भी कोई नहीं आ बैठ गया, ये खा भी रही है, इसका टिफिन भी खुला हुआ आराम से, इधर आओ खाना नाश्ता भी मिलेगा साथ में। अच्छा खाती रहती है, बातों में फंसा के देखो कैसे स्लाइड बदली जाती है, इसका नमूना पेश किया मैंने। इसको बोलते माइंड डाइवर्ट करना, इसके लिए 35 सेकेंड्स मिलेंगे, क्वेश्चन लंबा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लिखो, एक आंसर लिखो, सब लोग एक ही चीज लिखो, कैसे काम चलेगा? जब क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर याद कर लो। कर तो दिया बेटा, कौन सी दुनिया में जी रही है? फोर्थ है, उधर देखो उसी क्वेश्चन में, सब एक जैसे ही दिखे, सब में आर्गन ही है ना, कितना अत्याचार है, बहुत ज्यादा। दस दस सेकंड के लिए आएंगी स्लाइड वापस, किसी का कुछ बचा हो तो देख लेना, गाड़ी अलग चलती मेरी है ना, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। चलो बेटे ना, अब ये जो अभी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखे गए हैं, इन सब रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को समझा कि कॉन्फिगरेशन से कैसे इसको सॉल्व करना है। अब एक बात और समझे आगे, इन सारे केसेस को हो जाने के बाद कोई भी रूल जब आपको बताया जाता है, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि इसको सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, बच्चे कोई दूसरे तरीके भी यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, बट मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इसी पैटर्न पे फॉलो करें या इसी से सॉल्व करें। क्यों? उसका कारण समझिएगा। इधर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल इधर देखिए आपको दिया गया। अब क्या करा, अभी जब हमने इस पे ये रूल लगाया तो आपका आंसर 6 थर्ड पीरियड और एफ ब्लॉक आ गया, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कुछ बच्चे क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जोड़ के इसको सॉल्व करते हैं, आइए उसको भी अप्लाई करते हैं। बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18 प्लस 2 20 30 36 38 48 54 56 70 71। मुझे बताइए एटॉमिक नंबर 71 क्या ये 58 से 71 वाला है या नहीं है? मतलब ये किस में आएगा? एफ ब्लॉक, 4F सीरीज है ये, 6 पीरियड, एफ ब्लॉक थर्ड ग्रुप, एफ ब्लॉक। आंसर वही आ रहा है। तो सर ऐसे भी कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे, क्या दिक्कत है, जब तक पेपर बनाने वाला मेरे जैसा ना हो तब तक आप कर सकते हैं। मान लीजिए तीन कॉन्फ़िगरेशन में उड़ा देता क्वेश्चन में, सर मेरी मर्जी, उड़ा दिया, आंसर पे फर्क ही नहीं आएगा, मैंने उड़ा दिया। अब इससे जब आप ये वाले रूल लगा के सॉल्व करोगे आंसर अभी भी यही आएगा, लेकिन आपने अगर एटॉमिक नंबर जोड़ दिए यही मिलेंगे अगले साल पर। क्या बात समझ में आ रही है आपके? क्योंकि एटॉमिक नंबर में तो 10-20 का डिफरेंस आ चुका है, तो इसीलिए कोई और तरीका इस्तेमाल ना करें, मैं यही बोलूंगा। बाकी फिर भी मर्जी आपकी है, पैसे आपके हैं, साल आपके हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर है ना सही करना है तो ये तरीका ही सॉल्व करें, क्योंकि कुछ हिडन अगर कर दिया तो बाकी तरीके निपट जाएंगे, यही एक तरीका है जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे सही से, ठीक है? इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो रूल हमने समझे ना, टोटल 118 कॉन्फ़िगरेशन है, 118 में से 115 कॉन्फ़िगरेशन पे ये काम करेगा, तीन पे काम नहीं करेगा। कितने पे काम नहीं करेगा? तीन। कोई भी रूल आप पढ़ते हो तो रूल अप्लाई कैसे होता है उससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कहां अप्लाई नहीं होता है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन पे काम नहीं करेगा, और वो तीन कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच डू नॉट फॉलो अबव रूल्स, configurations which do not follow above rules, मतलब ये जो rules हमने लिखे इनको कौन सी configuration या कौन सी तीन configuration ऐसी हैं जो इन rules को follow नहीं करेगा? उनमें से पहला configuration है बेटा helium, दूसरा configuration है बेटा palladium, और तीसरा configuration है बेटा thorium। ये तीन elements हैं, इनकी configuration इन rules को follow नहीं करेंगे। क्यों? इसमें rule की कोई गलती नहीं है, rule अपनी जगह सब सही है, एक्चुअल में इन एलिमेंट्स की पोजीशनिंग की गलती है। हीलियम को जब कॉन्फ़िगरेशन से आप सॉल्व कर रहे थे तो हीलियम एस ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए था, रखा आपने पी ब्लॉक में, तो रूल को थोड़ी पता था कि आप पी ब्लॉक में रख दोगे, रूल के हिसाब से एस ब्लॉक का होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन वही बात बोल रही है, क्योंकि ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सही बता रहा है। थोरियम याद करिए,
थोर थलाइवा इसके बारे में बात करें, थोर जो है इसमें 5F0 होता है, इसको कायदे से लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसको डी ब्लॉक में रखना चाहिए, लेकिन रखा कहां है? एफ ब्लॉक में। तो रूल को थोड़ी पता कि आपने उठा के डी के बल्ले एफ में रख दिया, रूल अपनी जगह सही है। पैलेडियम में क्या दिक्कत आएगी उस पर भी बात करते हैं। पहली बात, हीलियम में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, हीलियम अगर आ गया 1H2 आ गया तो अगर इसको भी रूल रूल से सॉल्व करोगे तो खेल खत्म जीवन में बेटा अपना। थोरियम अगर आ गया, देखो हीलियम की कॉन्फिगरेशन क्या होगी 1H2, पैलेडियम याद करिएगा क्रिप्टन 5S0, एकमात्र ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जिसका NS 0 होता है, और थोरियम में आप ले लोगे अब तक 88 भरो, अरे 5F बेटे अब तक 88 भरो, और फिर पवन ने लोरी गाकर बंडी सिनेमा देखा, थोर ने 2D सिनेमा देखा, और इसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन 5F में 0 आते। तो हीलियम और थोरियम में जब आप इन रूल्स को लगाओगे ना, ये रूल्स को, तो क्या प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम समझिए। हीलियम को जब आप इस रूल से सॉल्व करोगे तो ब्लॉक गलत आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? एस ब्लॉक, जबकि ये है किसका मेंबर? पी ब्लॉक। तो आप इस रूल से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एस ब्लॉक, जो कि गलत होगा, माना किसका मेंबर जाएगा? पी ब्लॉक। ये जब आप इस पे रूल लगाओगे, पीरियड वगैरह सब कुछ सही आएगा, ब्लॉक गलत आएगा, ये मिलेगा आपको किसका? डी ब्लॉक का। पर इसको रखा कहां गया है? एफ ब्लॉक में। और पैलेडियम में क्या गलती होगी उसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन लीजिए, ये लिख लेना, इसलिए जगह छोड़ दो, तीन लाइन चार लाइन छोड़ दो, क्या है क्वेश्चन, एक बोल रहा हूँ लिखिए। पैलेडियम की गलती जो है वो अपन सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये हीलियम और थोरियम तो ब्लॉक है, ये तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। पैलेडियम में लिखिएगा, एक क्वेश्चन एक बोल रहा हूँ लिखिएगा, डिटरमाइन पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, डिटरमाइन पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर, डिटरमाइन पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर कॉन्फिगरेशन आर्गन, फॉर कॉन्फिगरेशन आर्गन 4H2, 3D10, 4P6, 4D10, 4H2, 3D10, 4P6, 4D10। सॉल्व करिए, ऐसे जो रूल्स अभी हमने पढ़े उससे सॉल्व करिए आराम से। रीअरेंज करें, एन निकालें, सॉल्व करें, पीरियड ग्रुप ब्लॉक निकालें, हो गया सॉल्व। पीरियड नंबर क्या आ रहा है? फोर्थ, ये तो फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, इट इज अ मेंबर ऑफ फिफ्थ पीरियड, यही गलती आएगी पैलेडियम में। बाकी देखो हीलियम और थोरियम में ब्लॉक गलत आता, इसमें जो गलत आएगा वो क्या आएगा? पीरियड। इसमें बाकी सब सही आएगा आपका, इसमें पीरियड नंबर गलत निकलेगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हीलियम, सॉरी ये जो पैलेडियम है, ये फोर्थ पीरियड का मेंबर नहीं है, ये फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सी सीरीज का मेंबर है बेटा? ये 4D सीरीज का मेंबर है। किसका मेंबर है? 4D सीरीज, एंड 4D सीरीज बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड। क्यों गलती आ रही इसमें पीरियड में? क्योंकि बेटा डी में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक एनएस ना भराओ, लेकिन इसका एनएस में 0 हो गया। अगर एनएस में 1 होता तो आपको 5 दिख जाता और हाईएस्ट शेल नंबर 5 हो जाता, लेकिन इसके 5S में 0 नहीं है, फिर भी इसको फिफ्थ पीरियड का मेंबर माना गया, यही गलती होगी एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में एग्जामिनर सॉल्व करवाना चाहता होगा अगर आपसे क्वेश्चन, देखो दो बातें होती है कि एग्जामिनर चाहता है कि ये क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर ले या ना करे, दो चीजों पे पेपर बनता हमेशा ना, कि एक क्वेश्चन बोल दिया ऊपर से ऑर्डर आ गया कि बोले 2 क्वेश्चन ऐसे देने किसी से ना ही ले, 720 नहीं आनी चाहिए किसी के, सब होता है ठीक है। तो अगर ऐसा बोल दिया और वो चाहता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, तो ये 5S0 गायब कर देगा जैसा मैंने इसमें किया, और जैसे ही 5S0 गायब हुआ आप इसमें कौन सा पीरियड निकाल दोगे? फोर्थ। अगर उसने 5S0 दे दिया होता तो कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको एक बात याद आ जाती कि ये वो एलिमेंट है जिसका NS 0 है, और आपको याद भी होता क्योंकि इतनी बार अपन सुन चुके हैं कि वो एलिमेंट कौन होता है? पैलेडियम। तो फिर भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते कि पैलेडियम भैया स्कैंडियम से जिंक 3D सीरीज में तो नहीं आता, कहां आता है? यहां आता है। तो आप फिर भी फिफ्थ पीरियड पहुंच जाते, लेकिन जब ये 5S0 गायब कर देगा तो आप जो गलती करोगे वो पीरियड नंबर में गलती करोगे, और पीरियड नंबर इसको फोर्थ का मेंबर नहीं माना गया, किसका मेंबर माना गया? फिफ्थ पीरियड का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि एग्जाम में तीनों में से कुछ भी नहीं पूछेगा, पर अपने को पता होना चाहिए थे कि इस रूल का वायलेशन
ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है जो करते हैं, और इसमें रूल की कोई गलती नहीं है, पोजीशनिंग की गलती है। भैया पैलेडियम को कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फोर्थ पीरियड का होना चाहिए था, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, और हीलियम और थोरियम को एस और डी ब्लॉक का एलिमेंट होना था। रूल्स को ये वायलेट कर रहे हैं, रूल्स में कोई गलती नहीं है, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियड ग्रुप और ब्लॉक हमें निकालना था वो हमने आइडेंटिफाई करना सीखा बेटे। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेनली हम लोग जेड मोर देन या इक्वल टू 100 के लिए स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 100 या 100 से ज्यादा होना चाहिए। 100 या 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में आपको पता है इस तरह के नाम आप पढ़ते हो, अनिल, पेंटियम, अनिल क्वाडियम, अनिल हेक्सियम, इस तरह के नामों की बात करेंगे, यूयूबी, अन अन बायम, तो इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। पहली बात, इसमें मुझे लगता है किसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अरे भाई एक मिनट, ठीक है, क्या हो गया, विंडो बंद कर दो ना, हो गया बंद, नहीं, हवा आ रही तेज, बेटा इधर बैठ जा, इस साइड बैठ जा, हवा नहीं आएगी, क्यों परेशान हो रहे हो इतना। अब इधर ध्यान दो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए बेटा, 100 या 100 से ज्यादा। पहली बात ये समझिए, इसमें जो रूल्स है ना कि जीरो को नील बोलेंगे, वन को अन बोलेंगे, टू को बाय ट्राई, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब एटॉमिक नंबर आएगा आप सॉल्व कर लो, कोई ऐसा है जिसको ये आता ही नहीं बिल्कुल, कोई पढ़ाऊंगा मैं पूरा, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसको ये बिल्कुल भी नहीं आता, सुना ही नहीं हो कभी ऐसा, अनिल बायम ट्रायम ऐसे 104 दे दे तो अपन नाम लिख सकते ना थोड़ा सा, वो सब ठीक है ना, वो जो अनिल बाय वाय है उसपे कुछ दम की बात है नहीं, वो हो जाएगा, पढ़ेंगे अपन, हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत सारी बातें दी हुई है, वो है प्रॉब्लम। आप वो तो अनिल बाय ट्राई कर लोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ और बातें दी गई हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और वो बात क्या है। पहली बात, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, खेल यहां से शुरू होता है इसके अंदर ना, एनसीईआरटी में सब गिवन है। एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, एक एटॉमिक नंबर आया 104, कौन सा एटॉमिक नंबर आया 104, 103 तक तो 5F सीरीज एक्टिनाइट है बेटा, एक्टिनाइट के जस्ट बाद वाला एटॉमिक नंबर है 104। ये 104 जो एटॉमिक नंबर है ना, एक टर्म यूज की जाती है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। कौन सी टर्म यूज की जाती है, किसी को आइडिया है ट्रांस यूरेनिक के बारे में क्या होता है? यूरेनियम के बाद वाले, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 90 से 103 जब चलते हैं, याद करने का तरीका था तुम्हें पढ़ाऊं, 92 यूरेनियम। और इसके बाद वाले जो एटॉमिक नंबर है ना, मतलब 93 से लेकर 118 जो अभी तक मिल गए, 92 के बाद वाले जो भी एटॉमिक नंबर आएंगे उन सबको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। बेटा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, रेडियो एक्टिव होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल होने का मतलब मैनमेड, सिंथेटिक, लेबोरेटरी में बनाए गए, इंसान ने बनाया होगा, कुत्ते बिल्ली ने बनाया नहीं होगा, इंसान ने बनाया होगा। इंसान ने जब बनाया तो इंसान किसी देश को बिलोंग करता होगा, किसी कंट्री में ही तो रहता होगा, हाँ। तो ये जो 104 है ना बेटा, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, किसी इंसान ने इसको बनाया, वो जो इंसानों ने बनाया ना उसमें दो कंट्रीज आपस में भिड़ पड़ी, रशिया एंड अमेरिका, सोवियत रशिया, जब यूक्रेन उक्रेन सब साथ में थे, अब तो ये लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। अभी देखो बहुत पुरानी बात है, वंस अपॉन अ टाइम है ना ऐसा, तो यूएसए और यूएसएसआर दो कंट्री, क्योंकि आर्टिफिशियल था, इसने बोला कि भैया मैंने इसको डिस्कवर किया। अब लैब में बनाया तो कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, जैसे ऑगी का क्या था, ऑगी का प्रिपरेशन क्या था, क्या था, कैलिफोर्निया का ऑगी, यही तो था। तो ऐसे इसको भी बनाने का कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, लैब में बनाया कुछ प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो यूएसए ने क्या बोला कि मैंने इसको प्रिपेयर करा, भाई अगर तूने प्रिपेयर करा तो तेरे पास एक तो प्रिपरेशन का मेथड होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इससे रिएक्ट करेगा, इससे नहीं करेगा, इसका डेंसिटी ये होगा वो होगा, ऐसा पूरा पर्चा बनाया इसने। ये कॉपीराइट वाला इशू था, गाना बनाया किसी ने, बना किसी ने दिया, फिर लड़ रहे आपस में कि ये मेरा गाना था, तेरा गाना था, है ना, इसको मैं बजाता, इसको तू बजाता, ऐसे गाना चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान सुने, इसने बताया कि भैया मैंने इसको एलिमेंट को डिस्कवर किया, इसका प्रिपरेशन ही है, इसकी प्रॉपर्टी, इसने एक पर्चा बनाया, आईयूपीएसी को भेज दिया, बोले मैंने डिस्कवर करा, मेरे नाम पे चढ़ा दो इसको,
जिसने बनाया होगा ऑब्वियसली उसके नाम पे आ जाएगा, वो नेमिंग कर सकता है। यूएसए ने बोला अगर ये जो मैं क्लेम कर रहा हूं ये सही मिल जाए तो इस एलिमेंट का नाम रदरफोर्डियम रख दीजिएगा, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूं, मैंने इसको बनाया, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। एग्जाम में आ गया तो पता है तो पता है, वरना आंसर की आने के बाद पता चल जाएगा। यहां आइए, यूएसएसआर, रशिया ने बोला, उसने भी बोला ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये है वो है, प्रॉपर्टी वॉपर्टी उठा के पर्चा भेज दिया किसको, आईयूपीएसी को, बोले मैंने इसको डिस्कवर करा है। अब मैंने डिस्कवर करा है तो मेरे हिसाब से इसका नाम कुर्चा टोवियम रखिएगा। क्या नाम रखेगा? कुर्चा टोवियम। ऐसे ही नाम होते हैं रशिया में, क्या करूं, व्लादिमीर पुतिन, ऐसे ही तो नाम है, ठीक है ना। तो इसने बोला इसका नाम क्या रखेंगे, रदरफोर्डियम। इसने बोला इसका नाम क्या रखेंगे, कुर्चा टोवियम। दोनों ने क्लेम भेज दिया। अभी जो आईयूपीएससी वाले, ये बहुत वंस अपॉन अ टाइम की बात कर रहा हूँ ना मैं, ध्यान रखिए, आईयूपीएससी वाले जो थे समझदार व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि वहां तक पहुंचा तो थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा, हिंदुस्तान जैसे थोड़ी की जुगाड़ लगा लगा के पहुंचा दिया कहीं पे। तो ये समझदार व्यक्ति था, इन्होंने जो पैनल था, ये उस समय की बात हो रही है जब ये यूएसए और रशिया सुपर पावर्स अभी भी है, पर अभी तो चाइना इंडिया ये सब भी इमर्जिंग सुपर पावर्स की कैटेगरी में आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके अलावा दूर दूर तक कोई था ही नहीं। तो वो जो आईयूपीएससी वाले थे डर गए, बोले इसकी बात मान ली तो ये मारेगा और इसकी बात मान ली तो ये मारेगा, ये प्रॉब्लम आ गई। और वो टाइम क्या था, जब ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था, सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी गायब हो गए, अरे हाँ सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए, आज तक पता ही नहीं कौन क्या कैसे क्या हुआ, कैसे रहे कैसे मरे, तो उनको गायब करना तो कोई बड़ी बात थी नहीं, तो डर तो था और लॉजिकल था। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं इसकी बात मानूंगा तो वो गायब कर देगा, उसकी बात मानूंगा ये गायब कर देगा, क्या होगा, क्या मतलब है गायब होने से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, समझदार व्यक्ति थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो पहला ऐसा एलिमेंट आया ना जिसके लिए आप दोनों लड़ रहे हो, फ्यूचर में तो अभी और एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी है, तो ऐसा होगा कि फ्यूचर में अगर 109 के लिए मान लो आप भी लड़ लिए, आप भी लड़ लिए और इंडिया ने बोला कि इसका नाम नरेंद्र मोदी हम रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कांग्रेस की सरकार में बोले राहुल गांधी हम रख देंगे, तो ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे बस ठीक है सुनो, तो उनको ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम तो फ्यूचर में भी आ सकती है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी है, फिर किस किस को संभालते फिरेंगे, फिर उस समय पे इंडिया भी पता चल गया सुपर पावर बन गया, वो भी मारेगा फिर तो, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों से बचने के लिए बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला, उन्होंने बोला एक हम नॉमेनक्लेचर बना ही देते कि चाहे तू नाम रखे चाहे कोई और नाम रखे, नाम वही निकल के आएगा। तो उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर डिजाइन किया। उन्होंने क्या बोला कि जब कोई एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया तो ऑब्वियसली उस एटॉमिक नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ नंबर तो आएगा, डिजिट तो आएगा, और वो डिजिट ऑब्वियसली 0 से लेकर 9 में कोई होगी। कोई सा भी एटॉमिक नंबर आप लिखो, कोई सा भी नंबर लिखो, इन्हीं में से तो कोई डिजिट काम में आने वाली है। उसने बोला कि अगर एटॉमिक नंबर में 0 डिजिट आती तो हर डिजिट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे, कुछ नाम यूज करेंगे जो कि फिक्स्ड होगा। 0 के लिए उन्होंने सजेस्ट करा हम लोग नील बोला करेंगे, 1 के लिए क्या बोलेंगे बेटा अन, 2 के लिए क्या बोलेंगे बाय, 3 के लिए क्या बोलेंगे ट्राई, 4 के लिए क्या बोलेंगे क्वाड, 5 के लिए क्या बोल देंगे पेंट, 6 के लिए क्या बोल देंगे हेक, 7 के लिए क्या बोल देंगे सेप, 8 के लिए बोल देंगे ऑक्ट और 9 के लिए बोल देंगे एन। अब यहां पर फिर से एक बात आती है कि इनके लिए कुछ सिंबल्स भी होंगे भाई, जैसे सोडियम है तो एन ए लिखते हो, बार बार सोडियम पूरा थोड़ी लिखते, तो सिंबल भी देना पड़ेगा ताकि शॉर्ट में समझ में आ जाए। तो ये जो पहला अल्फाबेट है सबका वो सिंबल है, तो यहां पर सिंबल आ गया एन, यहाँ आ गया यू, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया टी, यहाँ आ गया क्यू पी एच एस ओ ई, ये सिंबल आ गए। ध्यान सुनते जाना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिंबल उन्होंने बता दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपको इसके हिसाब से नाम रखना होगा तो बताइए 104 का, अगर 104 का मैं नाम रखने जाऊं, अब चाहे वो नाम अमेरिका रखे चाहे रशिया रखे, बताइए 1 को क्या बोला जाएगा अन, 0 को क्या बोला जाएगा नील, 4 को क्या बोला जाएगा क्वाड, ये सब तो प्रीफिक्स है बेटे, और इन सब के नाम के साथ एक सफिक्स लगाना पड़ेगा, और वो सफिक्स यूनिवर्सल सफिक्स है ईएम। क्या है ईएम? अब बात ये आती है कि सर ईएम सफिक्स क्यों यूज करा, ईएम मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ईएम मतलब जैसे सोडियम पोटेशियम केटायन बनाते हैं, अमोनियम
NH4 प्लस। तो उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, इनमें मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा, इसलिए इन सबके सफिक्स में हम लोग क्या लगा देंगे EM। अब नाम बनाइए तो नाम क्या बनता है बेटा, अनिल क्वाडियम, ये नाम बन गया। अब चाहे तू नाम रख तो भी यही बनेगा, तू नाम रख तो भी यही बनेगा। अब इसका सिंबल देना है, पहला अल्फाबेट सिंबल का हमेशा कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, तो इसका नाम बन जाता है UNQ, यहां तक आ जाएगा सिंबल, ये अपन ने लिख दिया। अब देखो ये नाम रख दिया, अब इसमें एक और बात पे दिमाग आ सकता है, वो बात क्या है ध्यान सुनना सर, 3 को हमने क्या बोला, ट्राई। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हम 4 को टेट्रा बोलते हैं, और यहां पर आप क्वाड बोल रहे हो, तो ऐसा क्यों कर दिया? या हम जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हम 6 को हेक्स बोलते हैं, तो 7 को हेप्ट बोलते हैं, तो आपने यहां सेप्ट क्यों कर दिया? तो मैं इनको गायब कर देता हूं। सर हम वहां पर 9 को नॉन बोलते हैं, यहां पर आपने एन बोल दिया, ऐसा क्यों हुआ? इन 3 में चेंजेस है, समझ लेते हैं। वो प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि सिंबल सेम हो जाते हैं भैया। अगर 4 को आप टेट्रा लिख देते तो सिंबल क्या यूज करते, टी। तो 104 का सिंबल बन जाता UNT, क्वाड के बदले टेट्रा होता, और 103 का भी सिंबल बन जाता UNT, तो वो फिर से एम्बिग्विटी हो जाती है। इसी तरह से हेक्स और हेप्ट अगर सेम कर देता तो HH सिंबल आ जाते, कॉमन हो जाता, इसलिए उसको सेप्ट किया, और 9 को आप नॉन बोलते, लेकिन N तो पहले ही आ चुका है, तो इसको क्या कर दिया, N ही कर दिया, लेकिन ENNN कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं, नोट करने से 2-3 एटॉमिक नंबर मन मर्जी के ले लो, एक तो 112 लिख लो या 111 लिख लो ऐसा, और एक 120 सॉल्व कर लो इसे, मैं लिख भी देता हूं एटॉमिक नंबर 112 और 120, इनके नाम आप बना ले इसी से। तो ये नॉमेनक्लेचर में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो USA और रशिया वाला जो पॉइंट है, ये NCERT में लिखा हुआ है कि आपसे पूछ ले कि भाई USSR ने क्या नाम दिया था इसका, और कौन सा ऐसा एटॉमिक नंबर है जिसकी वजह से अपने को ये नॉमेनक्लेचर बनाना पड़ा, वो 104 है। नहीं काम करेगा तब, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन है ना, ये IUPAC मतलब इनका जो बेसिक आइडिया था वो EM इसीलिए था क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के, जैसे अनिल क्वाडियम आया, तो ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के ही निकलेंगे, तो इसलिए EM दिया। अब ऐसे तो 118 भी डिस्कवर हो गया, तो नॉन मेटल है, पर अब वो एक बार नॉमेनक्लेचर सेट हो गया कि अपने को सफिक्स में EM लगाना, तो अपन EM ही लगाते जाएंगे। सबने 112 का नाम क्या हो जाएगा बेटा, अन अन बायम UUB सिंबल हो जाएगा, और 120 का नाम हो जाएगा अन बायनिलियम UBN विल बी द सिंबल, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन हो गया। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन जो काम के, ये सिंबल विंबल तो आप निकाल लोगे, इसमें कुछ ज्यादा दम वाली बात नहीं। मैंने बोला सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि किस एटॉमिक नंबर को लेकर IUPAC नॉमेनक्लेचर बनाना पड़ा, दैट इज 104, और USA ने क्या नाम दिया था और रशिया ने क्या नाम दिया था। तो USA के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था रदरफोर्डियम, और रशिया के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था कुरचाटोव। ये काम की बात है। अब सुनो, उस टाइम पर IUPAC ने बीच का रास्ता निकाल के ये सिंबल विंबल सब बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली उसको कुछ नाम तो देना ही था, भाई ये दोनों ने क्लेम करा तो किसी एक का तो क्लेम सही होगा। तो जब उन्होंने स्टडी करा तो स्टडी करने पर USA का क्लेम ज्यादा एक्यूरेट मिला। किसका क्लेम एक्यूरेट मिला? USA का, मतलब उन्होंने जो प्रॉपर्टी या मेथड और वो सब बताए तो वो ज्यादा USA के प्रॉपर थे एज कंपेयर टू रशिया। तो आज के समय पे इस एलिमेंट को रदरफोर्डियम नाम से ही जाना जाता है, मतलब आज हम इसे कुरचाटोवियम नहीं बोलते, बट हाँ हिस्ट्री ये बताती है कि पुराने समय पे रशिया ने इसके लिए जो नाम सजेस्ट किया था वो क्या था बेटा, कुरचाटोवियम। तो आपसे क्वेश्चन 2-3 तरीके के पूछे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू USA द नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 104 शुड हैव बीन रदरफोर्डियम, अकॉर्डिंग टू USSR द नेम शुड हैव बीन कुरचाटोवियम, इन द प्रेजेंट टाइम द एलिमेंट इज नोन एज रदरफोर्डियम, एंड द IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो नाम हो जाएगा वो जाएगा अनिल क्वाडियम। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे सबको? तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त करते हैं, आगे अगला टॉपिक हमें Z इफेक्टिव पढ़ना है, तो वो एक साथ ही स्टार्ट करें बेटे।